हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस क्लर्क पीओएसओ का जो सीआरपी नाइन्थ की भर्ती प्रक्रिया जो चल रही थी, जिसमें आपके फाइनल एग्जाम्स हो चुके, जिनमें इंटरव्यू इंक्लूड था, उसमें इंटरव्यू भी हो चुका, और जिनका 1 अप्रैल को कल रिजल्ट अवेटेड था, रिजल्ट नहीं आ पाया, कोई नोटिस भी नहीं आया। तो डेफिनेटली रिजल्ट डिले हो ही गए। सो जिन भी एस्पिरेंट्स का इसमें, वो भले ही आईबीपीएस क्लर्क का जिन्होंने एग्जाम दिया था मेंस का, या पीओ या एसओ के लिए जिन्होंने इंटरव्यू दे रखे हैं, तो अब उनके मन में बड़ा एक क्यूरियोसिटी रहती है, और ये कि धीरे धीरे वो एंजाइटी टाइप बनने लग जाती है कि भाई हमारा क्या होगा, कितना टाइम लग। तो एक चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए, हो सकता है कुछ दिन का टाइम लग जाए। जिस तरह से लॉकडाउन का पालन पूरे देश में हो रहा है, आई थिंक ये पोजीशन जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। जैसे ही कंट्रोल होगी, आपका रिजल्ट भी आएगा, आपको पोस्टिंग भी मिलेगी, सभी कुछ होगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आपने भले ही इंटरव्यू दे लिया या आईबीपीएस क्लर्क मेंस दे लिया, अच्छा भी हुआ है, तो भी आप स्टडी को डिसकंटिन्यू मत कीजिए, क्योंकि रिजल्ट जो भी रहा, अच्छा हुआ, वेल एंड गुड। और अगर अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन नहीं आया, तो कम से कम इस टाइम का यूटिलाइज हो जाएगा। सेकेंड, जब आप घर में बंद हैं, तो अगर इस टाइम का कोई भी आप पॉजिटिव यूज कर पाते हैं, तो एक तो आप पे ये नहीं रहेगा कि मैं बंद हूँ, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा दिन कब निकल गए। तो सॉरी, अब जब तक आप घर में हैं, लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपनी ऑनलाइन स्टडी पे फोकस कीजिए। जहां भी आपको अच्छा कंटेंट मिले वहां से कीजिए। अपने चैनल पर भी प्री और मेंस दोनों की क्लासेस चल रही है। आईबीपीएस एसपीए पीओ प्री 2020 को टारगेट करके आपका 8 PM पर आपकी क्लास होती है रीजनिंग की, एंड 6:15 पे क्वांट की होती है। और मेंस की अगर क्लासेज अपने देखें, तो 5 PM पर मेंस की क्लास होती है आपकी रीजनिंग की, और 9:15 पे होती है क्वांट की। दूसरे भी बहुत चैनल्स हैं, आजकल ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो गया है, और आपके पास बहुत चॉइस है, जहां आपको अच्छा लगे वहां, लेकिन इस टाइम को यूटिलाइज। हाँ, एक चीज जो पॉजिटिव थी वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। आईबीपीएस क्लर्क की जो आरटीआई आई, जैसे पहले आरटीआई आई जिसमें आई थिंक करीब 2,500 के आसपास से पीएनबी ने अपना इंडेंट रेज किया था, जिसने बिगनिंग में नहीं बताया था। बिगनिंग में अगर अपने क्लर्क का देखें, तो आई थिंक करीब करीब 12,000 थे, 12,075 या 12,000 जो भी है कुछ। लेकिन उसमें कुछ बैंक थे जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था, उसमें फिर पीएनबी का करीब करीब एक 2,500 का तो ये जुड़ा। और अभी इसका बैंक ऑफ बड़ौदा का भी मोर देन 1.6 से 1600 के आसपास से ये भी जुड़ा है, जिसमें कुछ स्टेट में ओपीएस है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसमें आपके गुजरात में, महाराष्ट्र में, यूपी में, यहाँ थोड़ा ज्यादा जुड़ा है। तो इस तरीके से करके ये 4,000 से प्लस तीन दो बैंक्स की वैकेंसी इसमें जुड़ चुकी है। तो जो 12,000 थी वो 16,000 प्लस तो इन दो बैंक्स की वजह से ही होगी। कुछ और बैंक हैं जिन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने भी डेफिनेटली कोई ना कोई इंडेंट रेज की होगी। तो रिक्रूटमेंट बड़ा है, अच्छे खासे सिलेक्शंस है। सेकेंड, आईबीपीएस क्लर्क के मेंस का जो आपका एग्जाम था, उससे थोड़ा पहले आई थिंक 2 या 3 दिन या 4 दिन पहले आपका LIC असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट है। बहुत बच्चे कॉमन होंगे, बड़ा रिक्रूटमेंट था, बहुत बच्चे कॉमन होंगे, क्योंकि बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में मोर और लेस एक जैसे से वही बच्चे होते हैं। तो वो भी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो फाइनल के लिए, मेंस के लिए क्वालिफाई तो उन्होंने कर लिया था, बट वो LIC असिस्टेंट मेंस में सिलेक्ट हो गए, तो आइदर वो गए नहीं एग्जाम देने, और गए तो हाफ अटेंड गए। और ये कॉम्पिटिशन आजकल इतना बड़ा हो गया कि अगर आप कोई भी एग्जाम अगर हाफ अटेंड देते हो, तो सिलेक्शन के चांसेस उसमें गिर जाते हैं। और तो आप मान के चलिए कि जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस में जो आप कंपटीशन मान रहे थे, वो काफी डाइल्यूट हुआ। साथ ही वैकेंसीज जो थी वो काफी इनहेंस हो गई, तो उससे भी डाइल्यूट हुआ। तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है। एंड सेम थिंग विद पीओ एंड एसओ, पीओ एंड एसओ के लिए भी वो सब चीजें लागू है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि इस ये जो पीरियड है, इसमें ज्यादा से ज्यादा स्टडी कीजिए,
बीच बीच में अपने जो भी आप पे अगर कोई मेडिटेशन कर सकते हैं उसकी सेशन लीजिए, कोई आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं वो लीजिए, या सिंपल जो भी आप जिम डंबल जो भी कर सकते हैं वो कीजिए, एक दो सेशन दिन में वो जरूर लीजिए, ताकि आप मेंटली मोटिवेटेड, साथ ही स्टडी डिसकंटिन्यू मत कीजिए, स्टडी आपकी चलती रहनी चाहिए। अगर रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आ गया वेल एंड गुड है, नहीं आया तो आपकी कम से कम ये जो भी टाइम मिला आपको इसमें आपने प्रिपरेशन में और इनपुट डाल दिया और इस बार जहां भी जिस लेवल पे भी थे उससे एक लेवल अप की एग्जाम को क्रैक करने की पोजिशन में, तो बिल्कुल भी रिजल्ट डिले हुआ है इसको लेके कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता मत कीजिए, चिंता करने से कुछ नहीं बनने वाला है, बट इस टाइम को पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कीजिए। तो दो चीज होंगी, एक तो आपकी प्रिपरेशन इंप्रूव होगी, सेकंड जो ये लॉकडाउन पीरियड में जो आपके टाइम पास होने की जो प्रॉब्लम्स है लोगों के सामने है वो आपके नहीं आएगी। और फॉर्चुनेटली इतने दुनिया भर के आपके यूट्यूब पे कंटेंट है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे दुनिया भर के कंटेंट है, आप जैसा कंटेंट चाहें वैसा कंटेंट मिल रहा है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आप स्टडी। That's all for today's session. Have a nice day.